हाय गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ यूपी के अंदर जो नई वाली पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि फ्रेम होने वाली है पॉपुलेशन के लिए, उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि कल है 11 तारीख और कल होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और उस दिन इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि अगर किसी भी फैमिली के अंदर दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो पंचायत के चुनाव होते हैं आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ में जो राशन कार्ड होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और जाके पीडीएस सिस्टम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आप अनाज वगैरह लेते हो, अगर उस राशन कार्ड पे चार से ज्यादा लोगों के नाम मेंशन है तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट बताया गया है कि ये जो कानून है ये दोनों लोगों के ऊपर लागू होगा, चाहे तो वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, डजंट मैटर। फिर कहा गया है कि इसको यहाँ पे इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करी जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी इज ऑन द टॉप। अब इसमें बोला गया है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हर स्कूल के अंदर अलग से आपको क्या मिलेगा, चैप्टर भी देखने को मिलेगा, ताकि बच्चों को अभी से पढ़ाया जा सके कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा है जो तीसरे बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है और उसको किसी भी सुविधा से बाहर नहीं किया जाएगा, वो चीज वैलिड होगी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो पूरा लॉ है, इस लॉ के लिए अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये बात बोली गई है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहां पर एक पूरा लेटर देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि वो इन सारी पॉलिसीज को मानेगा, तभी आगे की सारी जो कार्यवाही है यानी कि आगे जो उसकी पोस्ट होगी तभी उसका क्या होगा, प्रमोशन हो पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस पॉलिसी के जिसको लॉन्च किया जाएगा कल। तो मिलेंगे कल सुबह 7 बजे वाइफ स्टडी स्टूडियोज पर।